न्यू लॉन्च फोन्स जो आपको बनाएंगे फास्टर और स्मार्टर। लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2018 की शुरुआत हो चुकी है। इस इलेक्ट्रॉनिक शो में दुनिया भर की कंपनियां अपने प्रोडक्ट की नुमाइश कर रही हैं। ऐसे ही हम आपको लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर से लेस फोन जो समाए आपके बजट में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में सोनी द्वारा लॉन्च हुआ एक्सपीरिया XA1 और A2 में ग्राफोन ग्राहकों के बजट के अनुसार है, जिसमें आपको क्वालक्रोम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर के साथ एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन ओरियो पर रन करता है। इस कंपनी ने पहली बार लॉन्च किया बिना कीपैड का फोन। ब्लैकबेरी द्वारा लॉन्च Key1 ब्रॉन्ज एडिशन फोन डुअल और सिंगल सिम के साथ विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। यह पहला फोन होगा जो टच और मोशन सेंसर पर आधारित होगा। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 635 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर रन करता है। इसकी कीमत महज 28,721 रुपए के आसपास होगी। इस फोन में सामने होगा टच स्क्रीन सेंसर। शो में चाइनीज कंपनी वीवो द्वारा लॉन्च यह टेक्नोलॉजी उसके आने वाले फोन में दिखेगी। इसमें स्क्रीन के ऊपर ही फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए सेंसर दिया होगा। यह ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर US बेस्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह केवल OLED स्क्रीन्स में फिट बैठेगी। इस कंपनी के सेंसर के 40% स्मार्टफोन होंगे फास्टर। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने एक्सनॉस 9810 चिपसेट को लॉन्च किया है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 और सैमसंग गैलेक्सी 9 फोन में देखने को मिलेगा। दावा किया गया इससे फोन की वर्किंग कैपेसिटी 40% तक तेज हो जाएगी। इस फोन में यूजर के फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी को भी 3D बनाया गया है। प्रोजेक्टर से लेस स्मार्टफोन। आज के दौर में जहां बाजार में स्मार्टफोन की मांग बढ़ती जा रही है, तो वहीं साथ में लोग अपनी भागती दौड़ती जिंदगी को ठहराते हुए अपने मनोरंजन का साधन भी इसे ही बनाना चाह रहे हैं, जिसको देखते हुए मूवी स्मार्टफोन ने बड़ी स्क्रीन का स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिससे लोग TV की जगह अपना मनोरंजन इसी में कर सकेंगे। साथ में इसमें जनता की मांग को देखते हुए प्रोजेक्टर भी जोड़ा गया है, जिससे लोग आसानी से अपनी मनपसंद फिल्मों का लुत्फ बड़ी स्क्रीन पर कहीं भी उठा सकेंगे।